मार्केट में मिल गए हैं। एक का नाम है RT-809F और एक का नाम है RT-809XH। ये दो बॉक्स मार्केट में अवेलेबल है। ये वाला बॉक्स नॉन स्मार्ट टीवियों में प्रोग्रामिंग करने के काम आता है, ठीक है, नॉन स्मार्ट टीवी जो है साधारण। और ये वाला जो बॉक्स है ये स्मार्ट टीवियों के लिए, नॉन स्मार्ट के लिए, हाँ नॉन स्मार्ट और स्मार्ट दोनों के लिए है, ठीक है, नॉन स्मार्ट और स्मार्ट के लिए। तो नॉन स्मार्ट नॉट रिकॉग्नाइज, प्लीज चेक वेदर सर्किट बोर्ड पावर ऑन, ठीक है, कुछ रीजन बताएगा ये। तो दोनों बटन भी दबेगा, कई बटन दबेंगे तो एक साथ बहुत सारी कमांड जाएंगी, तो झेल नहीं पाता है तो वो जाम हो जाता है सॉफ्टवेयर, टीवी लगाएगा हमारा स्टैंड बाय में। तो फिर सॉफ्टवेयर से हम क्या करते हैं कि टीवी का जो कार्ड का सॉफ्टवेयर है उसको पहले कॉपी करेंगे कंप्यूटर के अंदर, फिर वही सॉफ्टवेयर दोबारा चढ़ा देंगे। जो कंप्यूटर कॉपी करेगा सॉफ्टवेयर, जो कॉपी करेगा वो कॉपी करके सेव कर लेगा यहाँ पर, और जब उस सॉफ्टवेयर को दोबारा चढ़ाएगा कंप्यूटर तो जो पुराना जाम वाला सॉफ्टवेयर है ना, जो जाम हो चुका उसको डिलीट कर देगा, फिर उसके बाद दोबारा दूसरा चढ़ेगा, जो उससे कॉपी किया था वही दोबारा चढ़ेगा। अगर बाई चांस वो सॉफ्टवेयर करप्ट हो चुका है, उस सॉफ्टवेयर को डालने से सेट ऑन नहीं हो रहा, तो आपको दूसरा सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, ठीक है, दूसरा सॉफ्टवेयर मैं आपको पेंटे में दे ही रहा हूं।